हाय दोस्तों, एजे इंजीनियरिंग चैनल में तमाम दोस्तों को एक और नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों ये आप देखते हैं, ये हमारे पास सैमसंग कंपनी की स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसका कंडेंसर जो है लीक हो चुका था। तो हमने इसके कंडेंसर को रिपेयर किया है, तो इसका कंडेंसर लीक हो चुका था, इसका कंडेंसर डैमेज हो चुका था, कोई चीज़ लगने की वजह से, गिरने की वजह से इसका कंडेंसर डैमेज हो चुका था। तो हमने इसको रिपेयर किया है, हमने इसके ऊपर जो है अल्मोनियम जो है ब्रेजिंग की है, अल्मोनियम राड से हमने इसके ऊपर ब्रेजिंग की है और हमने इसकी लीक रिपेयर की है। सिर्फ आउटर यूनिट को हमने जो है रिपेयर किया है और आउटर यूनिट को हमने जो है गैस से R22 से प्रेशर दिया हुआ है और हम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे और आप दोस्तों को बताऊंगा कि सिर्फ आप जो है आउटर यूनिट को कैसे प्रेशर दे सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तो चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये आप देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने सिर्फ आउटर यूनिट को प्रेशर देना होता है। ये आप देखते हैं, ये इसका डिस्चार्ज वाल्व है और ये इसका सेक्शन वाल्व है, ठीक है। तो सेक्शन वाल्व पे हमने जो है 5/8 का आप देखते हैं एक नट लगाया है और एक हमने कापर का पाइप लिया है जिसको हमने लास्ट से जो है ब्रेजिंग कर दिया। आप देखते हैं इसको हमने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है और ये हमने सेक्शन पे टाइट कर दिया और सेक्शन लाइन हमारी जो है इसकी एलन की फुल खुली हुई है और हमने जो हमारी जो गेज है उसकी लाइन हमने जो है ये आप देख सकते हैं ये चार्जिंग लाइन हमने लगाई हुई है और ये जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है ये हमने इसकी फुल इसका वाल्व जो है क्लोज किया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका वाल्व जो है फुल क्लोज है, आपको नज़र आ रहा है ये फुल अंदर की तरफ है, यानी ये वाल्व हमारा क्लोज है, ठीक है। तो हमने आउटर यूनिट को प्रेशर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखते हैं हमारा गेज मीटर है, 180 हमने आउटर को प्रेशर दिया हुआ है, R22 से हमने इसको प्रेशर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने इसको प्रेशर दिया हुआ है। तो हमने लो गेज से इसको प्रेशर दिया हुआ है, आप तकरीबन 200-250 प्रेशर भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसको तकरीबन जो 180 प्रेशर दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास इसकी जो है लीड अवेलेबल नहीं थी, यहाँ हमारी जो है ब्लू लीड लगती है, तो ब्लू लीड हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने जो है ब्लू लीड नहीं लगाई है, ये हमने रेड लीड लगाई हुई है। आप देख सकते हैं हमारी रेड लीड चार्जिंग लाइन में लगी हुई है और इसके गेज में लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं येलो लीड हमारी जो है गेज के सेंटर में है और ये सिलेंडर में लगी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको प्रेशर दिया हुआ है तो हमारी बिल्कुल जो है इसमें कोई लीकेज नहीं है, सिर्फ हम जो है आउटर यूनिट को इस तरीके से जो चेक कर सकते हैं। मैं आपको लीकेज चेक करके दिखाता हूँ हमारी किस जगह पर लीक थी। तो ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारी इस जगह पर लीकेज थी, इस जगह पर हमने अल्मोनियम ब्रेजिंग कर दी है, इस जगह पर हमने अल्मोनियम ब्रेजिंग कर दिया और इस जगह पर हमने अल्मोनियम ब्रेजिंग कर दिया, ठीक है। हमारा आउटर डैमेज हो चुका था तो हमने इसके ऊपर अच्छे से ब्रेजिंग कर दिया है, तो अभी जो है हमारा आउटर बिल्कुल ओके है, इसमें प्रेशर जो है बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है, इसमें प्रेशर बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है, तो हमारा बिल्कुल आउटर यूनिट ओके है। तो हमने इसको प्रेशर दे के चेक किया, काफ़ी देर मैंने इसको प्रेशर दिया हुआ है तो बिल्कुल भी प्रेशर डाउन नहीं हो रहा है, अभी मैं कन्फर्म है कि हमारे आउटर में लीकेज नहीं है। इस तरीके से करके आप बहुत ही आसानी से सिर्फ आउटर यूनिट को जो है प्रेशर दे सकते हैं। तो बस छोटी सी मलमाती वीडियो थी, मैंने कोशिश की है कि आप दोस्तों को समझाने की कि स्प्लिट एसी में सिर्फ आपने आउटर यूनिट में कैसे प्रेशर देना होता है। आपने एक लाइन डेड करनी होती है, या आप ये जो डेड नट मैंने इस जगह पे डेड नट बना के लगाया हुआ है, ये जो नट और इसके साथ कापर पाइप में लगाया हुआ है, आप सेक्शन पे भी लगा सकते हैं और डिस्चार्ज पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 5/8 में ये सेट अवेलेबल नहीं है तो आप छोटा जो है पाइप जो आपका 3/8 होता है ये वाला पाइप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो 3/8 वाला पाइप होता है इसकी जगह पे भी आप जो है सेम इस तरह का बना के लगा सकते हैं। उस कंडीशन में आपने करना ये होगा कि आपने सेक्शन को बंद करना होगा और डिस्चार्ज को आपने ओपन करना होगा, ठीक है, और चार्जिंग लाइन आपने इस जगह पे लगानी होगी। कुछ केसियों में इस जगह पे आपकी चार्जिंग लाइन की ऑप्शन होता है, उसमें आप ये लगा सकते हैं, तकरीबन 2 टन के ऊपर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इन्वॉल्व होता है, तो आप इस जगह पर लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से करके जो है बहुत ही आसानी से जो है आप जो है किसी भी स्प्लिट एसी की आउटर यूनिट को प्रेशर दे सकते हैं। तो मैंने कोशिश की छोटी सी वीडियो में आप दोस्तों को समझाने की, उम्मीद है आप दोस्तों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम याद रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।